मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ पुदीना या मिंट पुलाव, जो बहुत सादा है पर बहुत टेस्टी है, साथ ही बहुत गुणकारी भी है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। पुदीना ये मेरे गार्डन का है, घर का है, 2 कटोरी है, 2 कटोरी पकी हुई चावल है, फिर उसके बाद तड़का लगाने के लिए तेज पत्ता है, कुछ काजू है, दालचीनी, बड़ी इलायची, 3 लौंग, 3 काली मिर्च, शाही जीरा, फूल चक्र है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1/2 स्पून हल्दी है। उसके बाद नमक, तेल, कुछ लहसुन की कलियां हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 स्पून जीरा, हरी मिर्च, प्याज। सबसे पहले मैं पुदीने का पेस्ट बना लूँगी। उसके लिए मैंने मिक्सी के जार में पहले डाला पुदीना और थोड़ा सा निकाल के रखा है, उसको मैं चॉप करके डालूंगी। उसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है, फिर लहसुन डाली, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, फिर 1 स्पून जीरा और थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसका फाइन पेस्ट करूंगी। नमक डालने से पुदीने का कलर एकदम हरा रहेगा। अब पेस्ट बन गया, अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब मैंने रखा है बर्तन। बर्तन में मैंने डाला अराउंड 3 स्पून ऑयल। ऑयल डाल के, ऑयल जैसे गर्म हो गया, मैंने इसमें फ्राई कर लिया है काजू। काजू को फ्राई करके मैं साइड में निकाल ले रही हूँ। काजू ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो या यहाँ पे आप मूंगफली भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने काजू को निकाल लिया, निकाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 फूल चक्र, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 काली मिर्च, 3 लौंग। मसाले यहाँ पे मैं 2 कटोरी राइस के अकॉर्डिंग ली हूँ। अगर आप राइस ज़्यादा लोगे तो मसाले थोड़े बढ़ा लेना। अब मैंने डाला 1/2 स्पून शाही जीरा। ग्राइंड करते समय मैंने नॉर्मल जीरा जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते वो डाला। अब मैंने डाला है प्याज। प्याज को डाल के मैं हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनूंगी। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप स्किप कर सकते हो क्योंकि हम लोग ग्राइंड करते समय भी अदरक और लहसुन डाले हैं। मैं इसको अच्छे से हल्का ब्राउन होते तक भूनूंगी। जैसे ये हल्का ब्राउन हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी हमारा पुदीने का पेस्ट। पुदीने का पेस्ट डाल के अब हमको इसको अच्छे से मिलाना है ताकि पुदीना में जो कच्चापन है वो निकल जाए, जब तक कि इसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी। हल्दी जस्ट मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। पुदीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव है, गर्मी में बॉडी को ठंडक करता है। पुदीना से और भी बहुत सारी डिशेस बनती हैं, जैसे पुदीना पराठा, पुदीना पूरी। अभी मैंने यहाँ पर डाला है 2 कटोरी उबला हुआ चावल। मैंने पहले ही बासमती राइस को पका के ठंडा कर लिया था। अब मैं डाल रही हूँ कुछ कटी पुदीने की पत्तियाँ। पुदीने की पत्तियाँ कटी हुई डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक हम लोग ग्राइंड करते समय भी डाले थे इसलिए नमक देख के डालना। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके पहले मैंने डाला है हमने जो फ्राई करके रखा था वो काजू। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। पुदीना राइस लंच, ब्रेकफास्ट, बच्चों के टिफ़िन, इनफैक्ट डिनर सभी के लिए बेस्ट है। इसको बस दही रायता के साथ सर्व करो और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। बस हमारा पुदीना राइस बन गया है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं इसको सर्व करूँगी ऑनियन कुकुम्बर रायता के साथ। आप भी इसे बनाना और बताना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन क्लिक करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।